डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजाइन प्रोसीजर, डिजाइन एक्टिविटीज, इनोवेशन, डिजाइन इनोवेशन एंड एवोल्यूशन। ये तीन कॉन्सेप्ट जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है हम लोग देखते हैं डिजाइन प्रोसीजर। अब डिजाइन प्रोसीजर, अब हमने जो है आपको बहुत डिटेल में डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन हमने आपको बताए हैं। प्रोडक्ट डिजाइन में हमने जो है आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है ना। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में इसका फ्रेमवर्क, बेनिफिट्स, यूजफुल लाइफ, फिर कैसे हम लोग फिजिकल मटेरियल, इंटेलेक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सप्लाइंग, कस्टमर को कैसे फीडबैक कैसे मैनेज करते हैं, प्रोडक्ट को कैसे एनालाइज, डिजाइन, मैनेज, रिटायरमेंट, यूजफुल लाइफ, ये सब कैसे डिसाइड करते हैं, फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, ये हमने पूरे डिटेल में, बहुत डिटेल में समझाया था। जो लेक्चर नंबर इसी ऑपरेशन मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 11 में, तो यह भी हमने बहुत डिटेल में आपको बताए थे। ठीक है, अब आ जाइए। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजाइन प्रोसीजर, प्रोडक्ट डिजाइन के बाद डिजाइन प्रोसीजर, अर्थात डिजाइन जब हम करेंगे प्रोडक्ट की, ठीक है ना। अच्छा, प्रोडक्ट डिजाइन के भी बहुत सारे हमने जो है एस्पेक्ट्स बताए थे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे, प्रोडक्ट का डेफिनेशन बताए थे, ठीक है ना। फिर प्रोडक्ट में क्या क्या होना चाहिए कि प्रोडक्ट शुड बी फंक्शनल, ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट शुड बी फंक्शनल। प्रोडक्ट खरीद के लाए वो फंक्शन ही नहीं कर रहा है, मोबाइल खरीद करके लाए कॉलिंग ही नहीं हो रही है, उसमें कैलकुलेटर नहीं चल रहा है, म्यूजिक नहीं चल रहा है, वीडियो नहीं बन रहा है, शॉर्ट्स आप नहीं बना पा रहे हैं, रील क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तब तो दिक्कत है। सेफ होना चाहिए, ठीक है ना, रिलायबल होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए, कम्पिटिटिव होना चाहिए, मतलब दूसरे से अच्छा लगे, कॉस्ट भी कम हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, ये सब जो है ना चीज़ें हमने आपको बताए थे। यदि आप सीक्वेंस में देख रहे हैं और ज़रूर देखिए, जब भी समय मिले तो हमारे हर एक वीडियो को इत्मीनान से आधा घंटा एक घंटा बैठ करके देखिए। आइए सबसे पहले डिजाइन प्रोसेस में हम आपको एक एक करके बहुत डिटेल में बताएंगे दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले आती है नीड, ठीक है ना, या हम लिखते हैं रिकॉग्निशन ऑफ नीड या सिंपल नीड, ठीक है ना। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और आजकल तो आविष्कार जो है आवश्यकता का पिता हो गया है। पहले आविष्कार हो जाता है, फिर लोगों के अंदर उसकी भूख बढ़ा दी जाती है, ठीक है ना। ऐसा टेस्टी खाना बना दिया जाएगा कि लोग जो है भूख नहीं देखेंगे, कितना भी पेट भरा हुआ है वो खा करके फिर बाद में भले उल्टी कर दें, ठीक है ना। नीड, फिर प्रॉब्लम डिफिनीशन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन या प्रॉब्लम डिफिनीशन ज़्यादा अच्छा होगा, प्रॉब्लम डिफिनीशन। फिर करते हैं हम लोग सिंथेसिस, सबको एक एक करके हम बता देंगे आपको, हड़बड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिंथेसिस। फिर करते हैं हम लोग एनालिसिस, एनालिसिस बताए थे, एनालिसिस या इसी को एनालिसिस के साथ आप जोड़ सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन वर्ड, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आता है इवेल्युएशन, और लास्ट में आता है आपका जो है आप बोल सकते हैं आउटकम, ठीक है ना, या आउटपुट या जो है रिजल्ट, ठीक है, या इसको प्रेजेंटेशन भी कुछ जगह लिखा हुआ है कि फाइनली आप जो है दुनिया के सामने इसको आप प्रेजेंट करते हैं, बॉस के सामने आप प्रेजेंट करते हैं। अब इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ नीड, ठीक है ना, यहाँ से ये शुरुआत होती है, इधर आया, इधर इधर फिर इधर फिर इधर, अब एक एक को समझेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, नीड आवश्यकता आविष्कार की जननी हमने बता दिया, कि पहले आप देखिए सोसाइटी में किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की तड़प है लोगों के बीच में, फिर आपके अंदर जो है एक वो होना चाहिए क्रिएटिविटी, कि कैसे हम इस डिमांड को पूरा कर सकते हैं, क्या ऐसा हम न्यू प्रोडक्ट डिजाइन करें, ठीक है ना, कि लोग जो है इसको हाथों हाथ खरीद लें, लोगों की लाइफ जो है लाइफ की कंफर्ट लेवल बढ़ जाए, ठीक है ना। कोई एडवर्स सरकमस्टेंसेस आ रहा है या गर्मी बहुत ज़्यादा है और एसी महंगा है,
तो कुछ बीच का जो है क्या आप ऑप्शन तलाश सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रोडक्ट आप डिजाइन कर सकते हैं। फिर जैसे ही आपने नीड को एनालाइज कर लिया, ठीक है ना, आप पता चल गया कि इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसको आप टेक्निकल वे में डिफाइन कीजिए। प्रॉब्लम डिफिनीशन बोलते हैं उसको। दैट मीन्स कि जो है यहाँ पर रिकॉग्निशन ऑफ नीड और डिफिनीशन के बीच जो है अंतर सिर्फ ये है, लगता तो दोनों एक जैसा है कि यहाँ पर आवश्यकता आपको महसूस हो गई, लेकिन उस आवश्यकता को पहले लिखना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको फ्रेश एयर की ज़रूरत है, अब ये नीड हो गया, लेकिन फ्रेश एयर का मतलब क्या है। तो फ्रेश एयर का मतलब हो गया कि O2 कंटेंट उसमें ज़्यादा हो, CO2 कंटेंट जीरो हो या कम से कम हो, फ्रेश हो, ठीक है ना, PPM उसका कम हो, पार्टिकल्स पर मिलियन जो होता है डस्ट है वो कम से कम हो, हवा की जो है वेलोसिटी कम हो, बहुत कम भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा, ठीक है ना। कि यहाँ तो आप लोगों को समझ में आ गया कि फ्रेश एयर चाहिए या फ्रेश वाटर चाहिए, लेकिन फ्रेश वाटर किसको बोलते हैं, ये फ्रेश वाटर मतलब उसकी TDS क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, उसमें मिनरल्स कौन सा मिनरल कितना परसेंटेज होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो है इनपुट आउटपुट क्वांटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका डायमेंशन, स्पेस, ठीक है ना, सब कुछ, कॉस्ट, क्वालिटी, टेम्परेचर, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ये सब चीज़ें जो है आप क्या करते हैं एक राइटिंग में लिख देते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रॉब्लम डेफिनेशन। अब बात आती है किसकी, सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या है, बेसिकली जो आपका प्रोडक्ट है उसका मोशन कैसा होगा, मोशन की एनालिसिस कैसे करेंगे। मोशन एनालिसिस जो है ना, जिसको बोलते हैं कि वो किस तरह से मोशन होगा, किस तरह से काम करेगा, उसकी बोल सकते हैं आप वर्किंग प्रोसेस, ठीक है ना, हम प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो कैसे काम करेगा, ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस, ठीक है। फिर एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब कोई भी प्रोडक्ट बनाने के अनेक तरीके हैं, ठीक है ना, उसमें कितना एनर्जी लगेगा, किस मशीन से बनेगा, ठीक है ना, कौन बनाएगा, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है। तो पहले तो एनालिसिस में ये सब चीज़ें देख लेंगे, फिर ऑप्टिमाइजेशन में क्या करेंगे, अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए या सप्लायर है, ठीक है ना, या कोई मशीन है, तो बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास, उस ऑप्शन में कौन सा बेस्ट ऑप्शन है उसको निकालने का जो मेथड होता है उसको ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बोलते हैं। और बहुत सारा टेक्निक है, आप पढ़े भी होंगे, ठीक है ना, ऑपरेशन रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन एक सब्जेक्ट ही है, ठीक है ना। ऑप्टिमाइजेशन मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें मोदी मेथड, फोरकास्टिंग मेथड, ये सब निकालते हैं हम लोग, ठीक है। फिर इवेल्युएशन सबसे जो है सिग्निफिकेंट है डिजाइन प्रोसेस का या डिजाइन प्रोसीजर का बोल लें, ठीक है ना। इसमें बेसिकली टेस्टिंग करते हैं लेबोरेटरी में भी और मार्केट में भी कि हमारा प्रोडक्ट सक्सेस है कि नहीं, प्रोडक्ट जिस मकसद से बना रहे थे वहाँ पर सक्सेस है कि नहीं। यदि सक्सेस है तब उसको हम लोग मार्केट में उतारते हैं, अपने बॉस को या फाइनल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वी हैव जस्ट टू कम्युनिकेट आवर रिजल्ट दैट व्हाट वी हैव थॉट, जो हमने सोचा था, जो नीड है, जो समाज को ज़रूरत है, उस प्रोडक्ट को हमने डिफाइन किया, सिंथेसिस किया, एनालाइज किया, ऑप्टिमाइज किया और देखा कि ये सब फुल्ली सक्सेस है। जब सक्सेस है तब हम उसको क्या करते हैं, उसकी ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है ना, ये सब प्रोसेस है, बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं, फिर जो है सप्लायर को कॉल करते हैं, वी कॉल सप्लायर फॉर द मटेरियल, फिर जो है लेबर बुलाते हैं, इंजीनियरिंग डिजाइन करते हैं और फिर प्रोडक्शन चालू करते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं, ये सब काम जो है इसके बाद शुरू हो जाता है, एक प्रोटोटाइप सक्सेस हो गया तो, ठीक है ना। और फिर हम अपने बॉस को, कंपनी को, कंपनी के हेड को हम डिटेल्ड करते हैं कि ऐसे ऐसे हमने बनाया और ये सक्सेस है। देन आफ्टर प्रोडक्शन वी जस्ट सेंड फॉर
मार्केटिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या डिजाइन प्रोसेस। ठीक है, और तो डिजाइन जब हम लोग करते हैं तो जैसा कि हमने बताया कि डिजाइन जो स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड। ये सब अब डिजाइन एक्टिविटी में थोड़ा सा देखिए, डिजाइन एक्टिविटी में क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको अल्टरनेटिव को एक्सप्लोर करना है। अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं, कोई भी चीज़ है इसके जगह पर ये या इसके जगह पर ये, चाहे आपको कोई मटेरियल खरीदना है तो 100 दुकान है, 100 में से 100 कौन सा बेस्ट है हमारे लिए, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई सो दैट कस्टमर विल गेट सेटिस्फेक्शन। ठीक है ना, तो बेस्ट जो है आप अल्टरनेटिव सोचते हैं, उसके बाद एक मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, क्योंकि हर चीज़ आजकल क्या हो गया है, कंप्यूटराइज हो गया। मैथमेटिकल मॉडल बनाने से क्या होगा, इसकी एनालिसिस हो जाएगी आपकी, चेक हो जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह रहेगा। ठीक है ना, फिर जो भी उसका स्पेसिफिक पार्ट है स्पेसिफिक डिजाइन है, ठीक है ना, सब धीरे धीरे कॉल करेंगे हम लोग। ठीक है ना, मटेरियल कौन कौन सा लगेगी, ठीक है ना, कौन सा मटेरियल लगेगा, कहाँ से आएगा, ये सब प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, हम लोग सब सोचते हैं। ठीक है, डिजाइन एक्टिविटी हो गया, फिर यहाँ पर प्रोटोटाइप जो है प्रिपेयर बनाते करते हैं हम लोग, ये सब डिजाइन एक्टिविटी में आता है। और भी प्रोटोटाइप हो गया, फिर टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग में कुछ प्लस माइनस हो गया तो फिर मॉडिफिकेशन करेंगे हम लोग, फिर प्रोटोटाइप करके मार्केट में उसको उतारेंगे, फिर कस्टमर फीडबैक लेते हैं। ठीक है ना, बिना कस्टमर फीडबैक का तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आप किसके लिए बना रहे हैं, कस्टमर के लिए बना रहे हैं, खुद के लिए तो बनाते नहीं है ना। ठीक है ना, तो ये सब जो है एक्टिविटी में है। तो ईच ऑफ दीज ऑपरेशंस रिक्वायर इंफॉर्मेशन विच मे बी जनरल इन्फॉर्मेशन हो सकता है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ उसी कंपनी के पास है, कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी होगी। ठीक है ना, तो जब नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा तो डिजाइन इंजीनियर उसको कंप्यूटर में वो कर देगा, फिर टेक्निकल नॉलेज, कंप्यूटेशनल, मैथमेटिकल, एक्सपेरिमेंटल टूल उसके अंदर यूज कर लगते हैं, फिर फिजिकली हम लोग उस मटेरियल को मशीन के ऊपर प्रोसेस करके, ठीक है ना, बनाते हैं, उसमें भी इटरेशन करते हैं कि ये मेथड लगाओ तो ये हो सकता है, ये मेथड लगाओ तो ये हो सकता है, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स रहते हैं। ठीक है ना, तो उसमें से जो दी बेस्ट होता है उसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए जो अभी लिखने के लिए एग्जाम में, ठीक है, बट समझने के लिए ध्यान दीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट जो है ना अनवरत अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करते रहती है, नई मॉडिफिकेशन करेगी ना, नहीं अपग्रेडेशन करेगी, नहीं अपडेट करेगी तो मार्केट से एक दिन क्या होगा, आउटडेटेड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिजाइन क्या बताए थे, इनोवेशन एंड इवोल्यूशन। इनोवेशन एंड इवोल्यूशन का मतलब समझिए, पहले जैसे मान लीजिए इवोल्यूशन की बात करते हैं, इवोल्यूशन की जब बात करते हैं तो इवोल्यूशन मतलब क्या, मतलब ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन द पास्ट डेवलपमेंट। ठीक है ना, ग्रेजुअल डेवलपमेंट, और हर प्रोडक्ट में हो रहा है, आप देख लीजिए पहले बाइक कैसा आता था, आजकल कैसा आ रहा है, डेवलपमेंट जरूरी है। ठीक है ना, तो स्लो आराम से, ठीक है ना, डिजाइन में, प्रोडक्ट में, एक्टिविटी में, प्रोसेस में, सब जगह धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट चाहिए होता है। ठीक है ना, ऑप्शन हम लोग तलाशते रहते हैं। ठीक है ना, कि और क्या इसमें अच्छा कर सकते हैं, और क्या अच्छा कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। ठीक है ना, जैसे आपको सिंपल एग्जांपल बता रहे हैं, साइकिल, साइकिल पहले कैसे आता था और आजकल कैसे आता है, मोबाइल देख लीजिए, ये सब ग्रेजुअल डेवलपमेंट ही तो है। मोबाइल पहले क्या चलता था, नेट का तो कोई सोचता ही नहीं था, फिर क्या हुआ, जी, 2G, 3G, 5G, कितने जीजा जी आ गए, जी, एक मेरा भी कॉन्सेप्ट है 5G, जीवन में आगे बढ़ना है तो 5G को अपनाइएगा, कौन सा, गाय, गंगा, गौरी, गीता और गति, मैं बता दूँ 2 मिनट में, गाय मतलब शुद्ध शाकाहारी भोजन अपनाइएगा, ठीक है ना, जीवन में सत्य, अहिंसा और शाकाहार जीवन का आधार बनाइए, तो गाय, पहला जी क्या हो गया, गाय, उन्हें शुद्ध शाकाहार भोजन, शुद्ध आहार से ही शुद्ध विचार बनते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, तो ये गाय,
दूसरा क्या बताया आपको, गंगा मतलब शुद्ध जल पीजिएगा हमेशा, जितना ज्यादा जल पियेंगे जैसी पानी वैसी वाणी, शुद्ध बात करेंगे आप, आपकी वाणी सुनने के लिए लोग तरसेंगे यदि आप शुद्ध पानी पियेंगे। गौरी मतलब नारी जाति, हर जगह नारी का सम्मान, माँ बहन भाई जिसमें भी आप जो है ना नारी स्वरूपा देखते हैं, जो भी नारी है, बहन है, बेटी है, माँ है, फुआ है, चाची है, नानी है, काकी है, मामी है, मातृशक्ति को हमेशा नमन कीजिएगा, रेस्पेक्ट कीजिएगा। जिस समाज में नारी की पूजा होती है वो समाज बहुत प्रगति करता है। तो ये तीसरा जी क्या हो गया, गौरी। पांचवा जी, चौथा जी है गीता। जीवन में कितना भी किताब पढ़ लिए हो एक बार भगवत गीता भी अवश्य पढ़िएगा, जीवन संवर जाएगा। और पांचवा और लास्ट है गति, मतलब चलती की गाड़ी, चलती का नाम गाड़ी है, जीवन में हमेशा प्रोग्रेस करते रहिएगा, प्रोग्रेस। तो ये हमारा 5G है, ठीक है ना। तो आइए ये इवोल्यूशन आप समझ गए। अब इसी में आता है क्या, इनोवेशन। इनोवेशन मतलब क्या, इनोवेटिव आइडिया, इनोवेशन, इनोवेशन, इनोवेशन दैट मीन्स द स्लो पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज दैट इज द नीड ऑफ द टाइम। आजकल टेक्नोलॉजी कितनी बदल रही है आप देख रहे हैं ना, इसी को जो है टेक्निकल चेंज को ही डे बाई डे जो हो रहा है, या आने वाले समय को दूरदृष्टा बन करके, दूरदृष्टिकोण देख करके आने वाले समय में किस चीज़ की जो है ज़रूरत पड़ेगी, उसी को हम लोग इनोवेशन कहते हैं। एक आता है न्यू डिजाइन, इसको भी समझ लीजिए, क्या बोलते हैं न्यू डिजाइन। न्यू डिजाइन का मतलब तो यही होता है कि कुछ क्रिएटिव एकदम बिल्कुल ही नया, ठीक है ना। इनोवेशन में तो मॉडिफिकेशन भी चलता है कि किसी पुराने चीज़ में कुछ मॉडिफाई कर दिए और उसको नया बना दिए, ठीक है ना। और न्यू डिजाइन मतलब डिजाइन दैट आर क्रिएटेड फ्रॉम ए स्क्रैच टू न्यू, स्क्रैच टू न्यू, उसका पहले कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, उसमें कोई चेंज नहीं किए हैं, एकदम बिल्कुल जैसे एरोप्लेन किसी समय बना, ठीक है ना। लेकिन स्टीम इंजन से ट्रेन जो है डीजल पे आ गया, जो है इलेक्ट्रिक पे आ गया, तो वो हो गया आपका इनोवेशन, इवोल्यूशन, ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो गया। पहले स्टीम इंजन सबसे पहले जो बना होगा ट्रेन स्टीम इंजन का, ठीक है ना, तो क्या हो गया न्यू डिजाइन। फिर धीरे से इनोवेशन हुआ, उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है ना, ग्रेजुअल डेवलपमेंट होते गया, और आजकल ई व्हीकल तक हम लोग पहुँच गए, इलेक्ट्रिक से ट्रेनें दौड़ रही हैं, कुछ दिन में मैग्नेटिक से चलेंगी, कुछ दिन सोलर लाइट से चलेंगी, हो सकता है आने वाले समय में। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट वेयर वी गो फ्रॉम न्यू डिजाइन टू इवोल्यूशन एंड देन इनोवेशन, ठीक है ना। तो आज का हमारा वीडियो सिर्फ इतना सा ही था, कॉन्सेप्ट इतना सा ही था। किसका किसका कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया कि डिजाइन प्रोसेस क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ द नीड, प्रॉब्लम डेफिनेशन, सिंथेसिस, एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन, इवोल्यूशन, आउटकम, एक्टिविटीज क्या क्या होंगी इसके अंदर, ये हमने बताया। इवोल्यूशन, इनोवेशन एंड न्यू डिजाइन के बारे में हमने आपको बताया। आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद जो है, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, और थोड़ा सा इस वीडियो को, थैंक यू वेरी मच।